31 दिसंबर 2023 तक जो आपको इम्पॉर्टेंट काम कर लेने हैं, आज का टॉपिक हमारा उसी पे है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमनजोत कौर फ्रॉम एजे फाइनेंशियल टेक्निकल सॉल्यूशंस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। हम बहुत जल्द 2024 में एंटर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले 31 दिसंबर 2023 तक जो आपको इम्पॉर्टेंट काम कर लेने हैं, आज का टॉपिक हमारा उसी पे है। तो आइए फटाफट से चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो 31 दिसंबर 2023 बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट है, आपको अपने बहुत सारे काम जो हैं उसको इस डेट तक ख़त्म कर लेने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में, एनुअल रिटर्न्स की बात करेंगे, GSTR 9 एंड 9C के बारे में। अगर आपने इनको फाइल नहीं किया है तो 31 दिसंबर 2023 लास्ट डेट है इसको फाइल करने की। उसके बाद आपको पेनाल्टीज़ एंड फाइन्स को बियर करना पड़ेगा, तो जल्दी से अपनी रिटर्न्स फाइल कर लीजिए। GSTR 9 एंड 9C के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। 9C जो है वो एग्रीगेट टर्नओवर, अगर आपकी 5 करोड़ से ज़्यादा की है तो आपको अपनी GSTR 9C को फाइल करना है। एंड GSTR 9 की बात करें तो एग्रीगेट टर्नओवर अगर आपकी अबव 2 करोड़ है तो आपको इसको फाइल कर देना है। लेट फीस की बात करें तो अगर आपकी जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से ज़्यादा की है और आपने अपनी GSTR फाइल नहीं की है तो आपको 50 रुपीज़ पर डे के हिसाब से फ़ाइन पे करना पड़ेगा। अगर आपकी 5 करोड़ टू 20 करोड़ के बिटवीन है तो 100 रुपीज़ पर डे है, एंड अगर आपकी अबव 20 करोड़ है तो आपको 200 रुपीज़ GST फाइन पे करना पड़ेगा अपनी GSTR 9, 9C को ना फाइल करने के लिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं इनकम टैक्स की तरफ। अगर आपने अपनी ITRs को फाइल नहीं किया है, बिलेटेड है, या फिर रिवीजन आपको करना है अपनी ITR का, तो आप उसको 31 दिसंबर 2023 तक कर लीजिए। हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24 के बारे में। तो अगर आपकी ITRs जो पेंडिंग हैं, जिन्होंने फाइल नहीं की है या करेक्शन करनी है, रिविजन्स करनी है, तो 31 दिसंबर 2023 लास्ट डेट है अपनी ITR असेसमेंट ईयर 23-24 फाइनेंशियल ईयर 22-23 को फाइल करने की। आगे बढ़ते हैं, म्यूचुअल फंड्स एंड डीमेंट अकाउंट्स अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो इसमें नॉमिनी ऐड करने का जो लास्ट डेट था वो 31 दिसंबर 2023 था, लेकिन अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है और इसका लास्ट डेट जो है उसको बढ़ा के कर दिया गया है 30 जून 2024 का। तो ध्यान रखिए, अगर आपका डीमेट अकाउंट या आप म्यूचुअल फंड्स को होल्ड कर रहे हैं तो अपना नॉमिनी ऐड कर लीजिए 30 जून तक, अदरवाइज उसके बाद आपके जो अकाउंट्स हैं वो फ्रीज हो जाएंगे। उसके बाद बहुत सारे टैक्स पेयर्स डिमांड कर रहे हैं कि जैसे ITR की रिवाइज रिटर्न्स जाती हैं वैसे ही GST की रिवाइज रिटर्न्स भी जाएं। तो GST की रिवाइज रिटर्न में भी हमें अप्रैल 2025 में पोर्टल्स पे आ जाएंगी कि हम उसको रिवीजन के साथ फाइल करें। हो सकता है इसको पहले क्वार्टरली बेसिस पे किया जाए क्योंकि 5 ईयर्स बैकलॉग है, 2017 में जो है हमारा GST आया था, तो रिविजन्स जो हैं हो सकता है क्वार्टरली के हिसाब से पोर्टल पे डाली जाए। तो ये अप्रैल 2025 तक अनुमान है कि हमारे पोर्टल्स पे आ जाएंगी, क्योंकि इसके लिए बहुत सारा वर्कआउट है जो GST डिपार्टमेंट को करना पड़ेगा। काउंसिल मीटिंग्स में इसके लिए डिस्कशन होंगी, इसी के साथ हमारे GST पोर्टल्स को भी रिवाइज करना पड़ेगा रिवाइज रिटर्न्स को लाने के लिए। इसके बाद अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं है तो आप 1000 रुपये की पेनाल्टी के साथ इसको लिंक कर लीजिए। अगर आप इसको लिंक नहीं कर रहे हैं तो अगर आपकी TDS डिडक्ट करते हैं बैंक्स आपकी FDs के ऊपर, या कोई भी आपको पेमेंट्स दे रहा है उस पर TDS डिडक्ट करा है, तो वो डायरेक्ट 20% का TDS डिडक्ट करेगा आपके पैन और आधार लिंक ना होने की वजह से। तो जल्दी से अपने पैन और आधार लिंक्स जरूर कर लीजिए, 1000 रुपीज़ की फ़ीस के साथ अपने ITR पोर्टल पर जाइए और पैन और आधार को लिंक कर लीजिए। उसके बाद अगर आप अपने आधार में अपडेट करना चाहते हैं एड्रेस का, फोटोग्राफ का, तो इसकी जो लास्ट डेट थी फ्री ऑफ कॉस्ट वो 14 दिसंबर 2023 की थी, बट लेकिन अब इसको
एक्सटेंड कर दिया है, 14 मार्च 2024 तक एक्सटेंड कर दी गई है। तो जिसको भी अपने आधार अपडेट करने हैं वो आप आधार के पोर्टल पे कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी अपडेशन हो जाएगी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट काम थे जो आपको 31 दिसंबर 2023 तक कर लेने हैं, इससे पहले कि हम नई ईयर में एंटर कर लें। एंड थैंक यू सो मच, आई होप इस वीडियो को आपने पसंद किया होगा। मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमें हमारी ईमेल आईडीज पे, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स पे, नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।